लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट से पहले रोहिणी का भावुक ट्वीट, कहा ईश्वर नहीं देखा, ईश्वर के रूप में पापा को देखा। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का 5 दिसंबर को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होना है। उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सिंगापुर रवाना हो चुके हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट में बेहद भावुक संदेश लिखा है। रोहिणी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमने ईश्वर नहीं देखा है, मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद को अपनी एक किडनी देंगी। लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ 25 नवंबर को ही दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। वे अभी सिंगापुर में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर हैं। जल्द ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। रोहिणी अपने पिता को किडनी डोनेट कर रही हैं। उनका और पिता लालू प्रसाद का ब्लड ग्रुप भी मैच किया है। डॉक्टर्स ऑपरेशन से पहले लालू और रोहिणी दोनों के जरूरी हेल्थ चेकअप करेंगे। इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद 5 दिसंबर को उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में लंबे समय तक इलाज चला। यहां के डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। इसके बाद अक्टूबर महीने में लालू यादव को सिंगापुर लाया गया। सिंगापुर के चिकित्सकों ने लालू यादव के कई टेस्ट किए। उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी गई है। वहीं 3 दिसंबर को बेटे तेजस्वी भी सिंगापुर रवाना हो चुके हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। Thank you.